नई कहानियां तो वापस आएगी। हमारी पहले से निर्धारित योजना के अनुसार ही वो करीब 11 बजे बाहर आकर खड़ा हो गया था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं जीवन में पहली बार कोई ऐसा कदम उठा रही थी। मैं खुद भी बहुत ही हैरान थी कि मैंने वैसा करने की हिम्मत कर ली थी। मैंने पर्स में संभाल कर रखी हुई नगद पैसों और गहनों की पोटली को ध्यान से देखा। सब कुछ सुरक्षित था मेरे पर्स में। फिर मैंने धीमे से दबे पांव पापा के कमरे के अंदर झांक कर देखा। वो तब भी मंद रोशनी में फाइलों के समुंदर में खोए हुए थे। मुझे अचानक ही उनके बात बात पर मुझे लगाई जाने वाली डांट याद आ गई। मेरे पापा हमेशा ही मुझे छोटी छोटी सी बात पर भी बुरी तरह से झिड़क दिया करते थे। उस समय मुझे लगा कि मैं जो कुछ मैं करने जा रही थी वो बिल्कुल सही था। मैं पीछे हट गई और फिर कुंडी खोलकर बाहर निकल गई। उस दिन एक अजीब बात हुई। हमेशा की तरह ही उस दिन उसने ना तो मेरे माथे को चुमा और ना ही मुझे बाहों में लिया। बस मेरे पर्स की तरफ देखकर उसने इतना ही कहा था, कितने हैं? मैंने कहा 30। उसने नाराज होते हुए कहा, बात तो 50 की हुई थी। मैं चुप रही। फिर उसने अचानक ही मोटरसाइकिल को ब्रेक मारकर रोक दिया और मेरे हाथ से मेरा पर्स ले लिया। अंदर रखे गहने देखकर वो एक बार फिर से गुस्से में आ गया। उसने कहा, ये तो बहुत कम है, मुश्किल से 2-3 महीने के किराए के लिए भी नहीं। मैं फिर भी चुपी रही। स्टेशन पर पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल किसी के हवाले कर दी और फिर मुझे कहा, 2000 चाहिए ना टिकट के लिए। उस समय पहली बार मैंने शायद दिल की जगह दिमाग से काम लिया। मैंने तुरंत ही उसको कहा, तुम्हारे पास भी तो 50,000 होने चाहिए थे, उनमें से खर्च कर लो, बाकी का हिसाब किताब बंबई पहुंच के कर लेंगे। इस बार वो बिना कुछ कहे गुस्से से भरा टिकट खिड़की की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने मेरे दिल की रफ्तार से भी ज्यादा तेज भागना शुरू कर दिया। अचानक ही मुझे बचपन याद आ गया, जब ना जाने कितनी बार मेरे पापा मुझे कंधों पर बैठाए चलते थे। कुल्फी, दिवाली के पटाखे, पापा का पुराना फटा हुआ कोट पैंट्स, टूटा हुआ साइकिल और ना जाने क्या क्या मेरी आंखों के आगे घूम गया। मुझे लगा कि घर की दीवार पर लगी मेरी माँ की फोटो मुझे कोस रही थी और अपनी तरफ बुला रही थी। गहरी नींद में सोई हुई मेरी छोटी बहन, जिसको मैं पीछे घर में छोड़ाई थी, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तभी अचानक मैं बहुत ही विचलित हो गई और बंदूक से निकली गोली की तरह ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मैं वापस अपने घर की तरफ चल दी। दरवाजा तब तक भी वैसा का वैसा ही खुला हुआ था जैसा मैं छोड़कर गई थी। दबे पांव में अंदर जाने लगी लेकिन अचानक ही रुक गई, क्योंकि दरवाजे के अंदर रास्ते के बीच कुर्सी बिछाकर मेरे पापा बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर कुर्सी से उठकर मुझे बाहों में भरकर अपने सीने से लगाकर बस इतना कहा, मुझे मालूम था बेटी, यकीन था कि तू जरूर वापस आ जाएगी। उस दिन मुझे लगा कि मेरा मेरे पापा से जो संबंध था उसको मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी। उस दिन जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया और मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि उनका सारा प्यार अपनी बेटी पर न्यौछावर हो गया था। मैं फूट कूट कर रोने लगी लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी घर से भागकर उस लड़के के साथ बंबई जाने की योजना, पैसों और गहनों की चोरी या किसी और भी विषय में कुछ भी नहीं पूछा। उनको यकीन था मैं वापस आऊंगी। कुछ देर के बाद मैं अपनी छोटी बहन के बगल में पलंग पर लेटकर सोचने लगी, अगर मैं दिल की सुन लेती तो शायद उस ठग लड़के के साथ भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती, क्योंकि वो स्टेशन पर सिर्फ पैसों की ही बात करता रहा था। आज मैं शादीशुदा हूँ और मेरे कॉलेज में पढ़ रहे एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन मेरे इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता है।
हाँ, मैंने अपनी कहानी उन दोनों को ये कहकर सुना दी है कि ये मेरी एक सहेली की कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।